Namaste and welcome to All About Lifestyle. This is Shraddha. Hope everyone is doing good. Today's video is all about how I've created a fake metal wall art. Abstract painting is there. You can see 3D wall art and lot more thing. बहुत सारे interesting DIY ideas के साथ आई हूँ मैं. जी हाँ, इस वीडियो में मैंने 6 DIYs शेयर किए हैं. अभी तक मैंने इतने सारे DIYs किसी भी वीडियो में शेयर नहीं किए हैं, तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा ताकि आपसे कोई भी इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें मिस ना हो. साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं बहुत सारे रील्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स, डेली एक्टिविटीज सब कुछ शेयर करती हूँ. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मेरा पिटारा, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, अगर आपको होम डेकोरेशन, इंटीरियर रिलेटेड और DIY वीडियोस देखना अच्छे लगते हैं तो झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड विद द DIYs. गाइस, फर्स्ट DIY में आई विल बी मेकिंग मिनिएचर एंटीक ऑटो. यस, आप इस पीस को सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं एज अ डेकोरेटिव पीस. इसके लिए आपको चाहिए POP या वाइट सीमेंट, एंड देन यू हैव टू मेक अ मिक्सचर जैसे मैंने इस तरीके से बनाया है. उसके बाद आपको एक ट्रे चाहिए. ये डिस्पोजेबल ट्रे है जो फूड पैकेजिंग में आती है, वही मैंने इस्तेमाल की है. आप कोई भी प्लास्टिक मटेरियल की ट्रे यूज़ कर सकते हैं जो बाद में आप फेंक भी सकें. उस पर मैंने ऑयल स्प्रेड किया है जिससे मैं इसमें जो सीमेंट सोल्यूशन डालूंगी वो ईजिली निकल सके. तो हमें इसे पोर करना है, सेटल करना है एंड ओवरनाइट छोड़ के दूसरे दिन मैंने इसे निकाल लिया है. एंड यू कैन सी इट हैज़ टेकन द शेप ऑफ दैट ट्रे. तो ये ट्रे जैसा लग रहा है. अब इसमें जो वाइट सीमेंट है ये थोड़ा सा हाथ में लग रही है, झड़ रही है, इस वजह से आई क्लीन इट अप यूजिंग अ ब्रश. नेक्स्ट स्टेप में आपको एक वॉशी टेप लेना है या कोई भी सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हैं. उसको डायगनली मैंने फिक्स किया है. अब हम यहाँ 2 डिफरेंट कलर्स अप्लाई करेंगे, एक साइड पे गोल्डन कलर और एक साइड पे पर्ल वाइट कलर. फॉर मेकिंग अ मिनिएचर डेकोरेटिव पीस, आपको कोई भी छोटी सी डेकोरेटिव आइटम चाहिए, चाहे वो व्हीकल हो, फिगरीन हो, एनिमल फिगरीन हो, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने यहाँ एक प्लास्टिक ऑटो का इस्तेमाल किया है, ये एक टॉय शॉप से लिया है मैंने. दिस आई गॉट फॉर ₹20 or ₹30. इट्स सुपर क्यूट, छोटा सा ऑटो है. इसे मैं गोल्ड स्प्रे पेंट से पेंट करूंगी. नाउ यू कैन यूज इट एज अ डेकोरेटिव पीस. सेकेंड DIY आई विल बी मेकिंग गोल्डन लीफ वॉल आर्ट. इसके लिए आपको कोई भी पैटर्न या शेप की प्लास्टिक लीव्स चाहिए. अगर आप प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप कार्डबोर्ड पे भी बना सकते हैं इन्हें. एंड देन आई विल बी स्प्रे पेंटिंग देम यूजिंग गोल्ड स्प्रे पेंट. जैसे कि पूरा वीडियो ही गोल्ड स्प्रे पेंट पे बेस्ड है, तो यहाँ पे मैं सारे चीज़ों पे गोल्ड स्प्रे ही पेंट करने वाली हूँ. तो ये तीनों के बाद और जो 3 लीव्स हैं उन्हें भी मैंने पेंट कर लिया है. इसके बाद आपको चाहिए एक स्वीट बॉक्स, प्लास्टिक का कोई भी बॉक्स चलेगा. इसका जो एजेस हैं जो ऊपर की तरफ उठी हुई है वो मैंने कट नहीं किया है क्योंकि मैं इसे एज अ फ्रेम यूज करने वाली हूँ. और इसे मैंने ब्लैक स्प्रे पेंट से पेंट किया है. आप चाहें तो ब्लैक शीट भी अप्लाई कर सकते हैं या जो भी कलर आप चाहें वो लगा सकते हैं इसमें. तो आप देख सकते हैं ब्लैक स्प्रे पेंट करने के बाद इट इज टोटली चेंज्ड. और पीछे के साइड नहीं किया है मैंने बिकॉज पीछे का साइड तो वैसे ही वॉल पर लग जाएगा, दिखेगा नहीं. नाउ यूजिंग हॉट ग्लू गन इसे रैंडमली मैंने स्टिक किया है. ये जो लीव्स हैं मॉन्स्टेरा लीव्स, इन्हें रैंडमली स्टिक कर दिया है इनसाइड दैट फ्रेम. देख सकते हैं कितना सिंपली ये रेडी हो गया है एंड यू कैन यूज इट एज अ वॉल डेकोर पीस.
DIY is also going to be a wall decorative piece, जिसके लिए मैंने ये टी कोस्टर्स का इस्तेमाल किया है. आपके पास जिस भी तरीके के टी कोस्टर्स हों, जैसे भी शेप के हों, कुछ पैटर्न हो उनमें तो और भी अच्छा है. तो वैसे ही टी कोस्टर्स का इस्तेमाल किया है मैंने. अब इन्हें भी मैं स्प्रे पेंट करूंगी, और स्प्रे पेंट के लिए मैं गोल्डन स्प्रे पेंट का ही इस्तेमाल करूंगी. अगेन फॉर मेकिंग अ फ्रेम मैं ये कार्डबोर्ड बॉक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ. ये कुकी बॉक्स का ही बेस है, तो उसको मैंने कट कर लिया है. इस पर पहले मैंने व्हाइट कलर अप्लाई किया था, सोचा व्हाइट और गोल्डन का भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा. देन इतना जम नहीं रहा था तो मैंने अगेन उसमें ब्लैक पेंट ही किया है. अब हम इसे एज अ बेस यूज करेंगे और इस पर जो गोल्डन कोस्टर्स हैं उन्हें स्टिक करेंगे यूजिंग हॉट ग्लू गन. All art is ready now. फोर्थ DIY is 3D abstract art. इसके लिए आपको चाहिए एक कार्डबोर्ड बॉक्स. मैंने यहाँ सनबोर्ड का इस्तेमाल किया है. आपके पास सनबोर्ड नहीं है कोई बात नहीं, आप कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके ऊपर मैंने ये व्हाइट शीट को पेस्ट किया है. Now next you need some bamboo sticks and ice cream sticks, जो कि easily stationery shop में आपको मिल जाएगी. इन्हें भी हम gold spray paint से paint करेंगे. Now it's time to stick all these ice cream sticks and bamboo sticks randomly on this base. तो इसके लिए आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं. मैंने कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया है कि पहले मैं 3 बैम्बू स्टिक्स को ऊपर नीचे की तरफ स्टिक करूंगी यूजिंग फेविकॉल. आप प्रोसेस को देख के इजीली समझ सकते हैं मैंने किस तरीके से इन्हें स्टिक किया है. 3 बैम्बू स्टिक्स को स्टिक करने के बाद मैंने आइसक्रीम स्टिक्स को स्टिक किया है रैंडमली. यू कैन सी इट. आप जैसा भी पैटर्न देना चाहते हैं वैसा पैटर्न दे सकते हैं. तो इस तरीके के प्रोसेस को रिपीट करते जाना है एंड योर 3D वॉल आर्ट इज रेडी. DIY is my favorite because it is the easiest abstract painting one can make. बहुत ही simple है. इसके लिए आपको दो sheet चाहिए या आप canvas का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Now I'm using this first sheet और मैंने इसे दो part में divide कर दिया using this sketch pencil. तो आप देख सकते हैं upper half में मैं orange color apply कर रही हूँ. Abstract painting के लिए मैंने जो भी colors का इस्तेमाल किया है वो सारे acrylic colors हैं. तो आप देख सकते हैं first half paint हो गया है. सेकेंड हाफ में मैं गोल्डन एक्रेलिक पेंट अप्लाई करूंगी. नाउ इन द सेम वे आई विल बी पेंटिंग द सेकेंड शीट आल्सो, बट यहाँ डिफरेंट कलर्स होंगे. डिफरेंट कलर्स में मतलब जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें मैं ग्रे कलर पेंट करूंगी और सेकेंड हाफ में गोल्डन. ग्रे कलर बनाने के लिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स किया है. यहाँ पे 2-3 बार मिक्स करने के बाद मुझे जो कलर चाहिए था वो कलर मिला है. सो लेट्स स्टार्ट पेंटिंग.
रहती है जादू की, यस मैजिक क्रिएट होने वाला है। ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग अभी तो ऐसे ही सिंपल लग रही है, अब हम यहाँ इसमें ग्लिटर अप्लाई करेंगे। तो ये जो आप पीक्स देख रहे हैं, इन पीक्स पे मैं ग्लू लगाने वाली हूँ, फेविकॉल भी आप यूज कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैं स्प्रेड करूंगी वही ग्लिटर। सिमिलरली सेकेंड शीट में भी वही प्रोसेस रिपीट करना है, ग्लू लगाना है, ग्लिटर को स्प्रेड करना है, एंड दैट्स इट। 3 घंटे ड्राई होने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लिटर है उसे मैंने रिमूव कर दिया है यूजिंग अ ब्रश। ऐसे दोनों ही शीट का मैंने एक्स्ट्रा ग्लिटर रिमूव किया है और आपके पास आपकी परफेक्ट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग तैयार है। लास्ट DIY, इसके लिए आपको आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए, एक पूरा पैकेट ही लग जाएगा। ये मुझे 60 रुपीज़ का पैकेट मिला है, ये एक स्टेशनरी शॉप से लिया है मैंने। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम स्टिक्स है, इससे थोड़ी ख़राब क्वालिटी की भी आती है, वो आपको 30-40 रुपीज़ का पैकेट मिल जाएगा। तो ये आइसक्रीम स्टिक्स को आपको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है और एक स्क्वायर शेप बनाना है। तो स्क्वायर शेप बनाने के लिए मैंने फेविकॉल का इस्तेमाल किया है और 4 आइसक्रीम स्टिक्स को जोड़ के ये शेप बनाया है। ऐसे आपको 9 शेप्स चाहिए होंगे वॉल आर्ट बनाने के लिए। यस, इट्स गोइंग टू बी अ वॉल आर्ट। तो इस तरीके के मैंने 9 स्क्वायर्स बना लिए हैं। अब हम इन्हें प्लेस करेंगे कुछ इस तरीके के पैटर्न से। यू कैन क्लियरली सी द पैटर्न, मैंने किस तरीके से ये 9 स्क्वायर्स को अरेंज किया है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके का ही पैटर्न दें, आप जिस तरीके के भी शेप बनाना चाहें बना सकते हैं और पैटर्न भी दे सकते हैं। अब इन सारे शेप्स को मैंने स्टिक किया है यूजिंग फेविकॉल और 2-3 घंटे छोड़ने के बाद आपका ये वॉल आर्ट एकदम तैयार होगा। पूरे शेप को मैं गोल्ड स्प्रे पेंट से पेंट करूंगी। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास गोल्ड स्प्रे पेंट नहीं है। ब्रश से अप्लाई कर दें ऊपर ऊपर के पोर्शन में एंड योर वॉल आर्ट इज रेडी। देखा ना, ये छोटे से स्प्रे पेंट से कितने सारे DIYs बन गए। जी हाँ, और इसमें बहुत सारा स्प्रे पेंट अभी है, बचा हुआ है। ये एक ही स्प्रे पेंट बॉटल से आप बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज बना सकते हैं, क्रिएटिव DIYs क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स इन सारे DIYs को एंजॉय कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।